दिल्ली में आजम खान से मिले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। बीते दिनों हुई थी हार्ट सर्जरी। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव दिल्ली में आज। आजम खान की कुछ दिन पहले ही दिल्ली के एक निजी अस्पताल में हार्ट सर्जरी हुई थी। वह अभी स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। शेयर बाजार में छाई मायूसी। निवेशकों की मुनाफा वसूली के चलते औंधे मुंह गिरकर बंद हुआ बाजार। सेंसेक्स 1093 अंकों की गिरावट के साथ 58,840 तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की निफ्टी 345 अंकों की गिरावट के साथ 17,530 अंकों पर क्लोज हुआ। न्यूजीलैंड ए के खिलाफ इंडिया ए की वनडे स्क्वाड का ऐलान। संजू सैमसन को मिली टीम की कमान। भारत ए और न्यूजीलैंड ए के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जानी है। इसके लिए बीसीसीआई ने 16 सदस्यीय स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। 155.5 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ गौतम अडानी बने दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स। गौतम अडानी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स बन चुके हैं। उन्होंने आज फ्रांस के उद्योगपति बर्नार्ड अर्नाल्ट को पीछे छोड़कर यह मुकाम हासिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्बेकिस्तान के समरकंद में SCO बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने खाद्य संकट, यूक्रेन युद्ध और कोरोना महामारी पर अपनी बात रखी। इस दौरान पीएम ने कहा कि इस साल भारत की अर्थव्यवस्था 7.5% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। मुझे खुशी है कि हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। उन्होंने कहा कि आज हमारे देश में 70,000 से अधिक स्टार्टअप और 100 से अधिक यूनिकॉर्न हैं।